काफी स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें आ रही होंगी, जिसमें आपके लिए 45,000 शिक्षक भर्ती की बात भी की गई है। ये बात की गई है यूपी शिक्षक भर्ती की। तो क्या ऐसा दोस्तों हो सकता है कि 45,000 नई शिक्षक भर्ती आ जाए? और अगर 45,000 शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में आएंगी, प्राथमिक में, तो जूनियर में कितनी आएंगी? तो इसके लिए एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। तो चलिए पहले मैं आपको वो वाली खबर दिखा देता हूँ, पुरानी जो दैनिक भास्कर की न्यूज थी। तो इसमें टीचर और होमगार्ड के लिए वैकेंसी बताई गई थी, जिसमें दोस्तों 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के लिए वैकेंसी बताई गई थी। और साथ ही साथ दोस्तों 8,000 जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता, 3,500 उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य। एंड साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा था कि 42,000 नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड की वैकेंसी। तो ये वाली जो खबर है हमारी 45,000 शिक्षक भर्ती की, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे थे कि सर अभी वैकेंसी नहीं आने वाली है 5-6 साल, ठीक है? तो वो निगेटिव लोगों से आप लोग दूर रहिएगा। देखिएगा डियर, मैं मानता हूँ काफी दिनों से जो है न्यूज अखबारों में अलग अलग प्रकार से वैकेंसी की बात की गई थी, तो अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। क्या मनहर वैकेंसी की बात भी की जा रही थी, लेकिन क्या मनहर वैकेंसी भी नहीं आई है। प्यारे साथियों देखिएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई जो चुनाव हुए थे तो उसमें यूपी में काफी नुकसान देखने को मिला था भाजपा सरकार को। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं वो अपनी पूर्ति करना चाहेगी, सारी चीजों को कवर करना चाहेगी। तो एक न्यूज चैनल है आज तक, पहले तो दैनिक भास्कर ने जो है अपनी मोहर लगा दी है 45,000 वैकेंसी पर, और अभी क्या है एक न्यूज चैनल जैसे कि मैंने आपको बताया आज तक, तो इन्होंने जो है बेसिक शिक्षा में 45,000 शिक्षक भर्ती की बात की गई है, किस विभाग में कितनी भर्ती है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें आपके दो क्वेश्चन होंगे, क्या वैकेंसी सबसे पहले वैकेंसी आएंगी या यूपी टेट होगा? तो मैंने आपको बताया है कि भैया अगस्त में जो है, अगस्त तक आप ना यूपी टेट का नोटिफिकेशन मान के चलो, यूपी टेट का नोटिफिकेशन मान के चलो। और अगर मैं भर्ती की बात करूंगा तो भर्ती आपकी जो है 2024 में तो होगी नहीं, ठीक है? ये 2024 तो मान के खराब चलिए आप लोग, क्योंकि अगर 2024 में नोटिफिकेशन भी आता तो 2025 ही लग जाएगा। तो 2025 में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी नई शिक्षक भर्ती की प्राथमिक स्तर में। और अगर प्राथमिक स्तर में वैकेंसी आती है तो जूनियर में भी आपको जरूर देखने को मिलेगी, वरना दोस्तों बवाल होना तय है, ठीक है? तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, ठीक? और जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर थोड़ी कमांड कर लीजिए। और बाकी हमारे जो बैच है वो चल रहे हैं सुपर टेट के और यूपी टेट के। जिस किसी को भी बैच लेना है दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है? आज से ही हमारे बैच शुरू हुए हैं 80-77-77-74-32। फीस ज्यादा नहीं है, फीस मैं आपको बता दूं 3 माह की फीस जो है वो मात्र 999 रुपए है, ठीक है? और डिस्काउंट पे मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे टेट एम के, रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको मिलेगा 899, यानी कि 900 रुपए फीस केवल है। एक महीने की फीस मात्र 300 रुपए है, और 300 रुपए महीना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब छोटा बच्चा भी पढ़ता है ना, कक्षा 7-8 का भी पढ़ता है, 350 रुपए महीना ट्यूशन फीस जाती है उसकी। तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आज से ही। पोल सिस्टम है हमारे क्लास में, पोल के माध्यम से पढ़ाया जाता है थ्योरी क्वेश्चन। और पहले हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है, फिर मॉक क्वेश्चन होते हैं, इसी के साथ साथ आपका संडे में टेस्ट होता है और टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलती है, ठीक? तो ये आपका नंबर है, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।